इंद्र वंदितु सव सिद्धे दुवि ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुण मिणिमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी, महान ग्रंथादिराज में निर्जराधिकार का वर्णन चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा का स्वरूप। वीतराग स्वसंवेदन से युक्त जब वह जीव होता है, अर्थात आत्म स्वरूप में लीन होता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है, वह मुनि महाराज राग द्वेष से दूर होते हैं, तब उनके द्वारा अथवा यूं कहें उनकी इंद्रियों के द्वारा जो पंचेंद्रिय की विषयों का भोग किया जा रहा है अथवा उपभोग किया जा रहा है, वह भी राग द्वेष के अभाव में उनके लिए निर्जरा का साधन बनता है। इस प्रकार की चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। आज हम उस वीतराग स्वसंवेदन का ज्ञान हो जाने पर उस आत्मा की कैसी स्थिति होती है, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की अनुभूति होने पर उस अवस्था में क्या होता है, वो हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। देखते हैं गाथा क्रमांक 204। जह विस्मु विभूत जनता, जह विस्मु विभूत जनता, वेज्जा पुरिसाण मरण मुवयंती, वेज्जा पुरिसाण मरण मुवयंती, पुग्गल कमसुदयम, पुग्गल कमसुदयम, तह भुञ्जदिणेव बज्जदेणानि, तह भुञ्जदिणेव बज्जदेणानि। बोलिए, जह विस्मु विभूत जनता वेज्जा पुरिसाण मरण मुवयन्ति, पुग्गल कमसुदयम् तह भुञ्जदिणेव बज्जदेणानि। जह विस्मु विभूत जनता वेज्जा पुरिसाण मरण मुवयन्ति, पुग्गल कमसुदयम् तह भुञ्जदिणेव बज्जदेणानि। वीतराग स्वसंवेदन के ज्ञान की शक्ति किस प्रकार की होती है, एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ पर दृष्टांत और दृष्टांत को समझा रहे हैं। देखें अर्थ। जह विस्मुव भुज्जन्ता, जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, विषम अर्थात विष को, जहर को, उव भुज्जन्ता उपभोग करता हुआ भी, अर्थात जो विष को ग्रहण कर रहा है, जहर को ग्रहण कर रहा है, लेकिन फिर भी कौन, वेज्जा पुरुषा अर्थात वेद्य पुरुष, जो विष को ग्रहण करते हुए, जो विष के जानकार हैं, ऐसे विष वेद्य उस पुरुष के द्वारा न मरणम उवयंती, वह मरण को प्राप्त नहीं होता है। क्या मतलब, विष को ग्रहण करते हुए भी जो विष के जानकार वेद्य हैं वो मरण को प्राप्त नहीं होते, अथवा ऐसा भी हम अर्थ लगाए यहाँ पर, अगर कोई विष वेद्य है अर्थात विष का जानकार वेद्य है, वह पुरुष यदि किसी मरीज को विष भी देता है, जहर भी देता है, तो भी वह पुरुष मरण को प्राप्त नहीं होता है। पुग्गल कमसुदयम, पुद्गल कर्मों के उदयम अर्थात उदय को, पुद्गल कर्म जो ज्ञानवर्णादि कर्म है, जब उनकी स्थिति समाप्त होती है, जब वो उदय को प्राप्त होते हैं, उस उदय में आए हुए पुद्गल कर्मों के कर्मों को तह भुंजदी, तह मतलब वैसे ही, भुंजदी अर्थात भोगता है, तह मतलब वैसे ही कैसे, जैसे वह विश्ववेद्य विष को ग्रहण करता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता है, तह उसी प्रकार पुद्गल कमसुदयम भुंजदी, वह जो ज्ञानी जीव है वह पुद्गल कर्मों के उदय को भोगता है, लेकिन फिर भी णेव बज्जदे, नहीं बंधता है, णाणी अर्थात ज्ञानी जीव, फिर भी वह जो आत्मज्ञान को प्राप्त है, आत्मस्वरूप में लीन है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से संयुक्त है, ऐसा वह ज्ञानी जीव अपनी ज्ञान की शक्ति के प्रभाव से उन कर्मों के उदय को भोगता हुआ भी नवीन नूतन कर्मों से नहीं बंधता है। इतने सुंदर उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब यहाँ पर
हम विचार करें कि विष को ग्रहण करने पर भी क्या कोई मरण को प्राप्त नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा जिसने विष ग्रहण किया है, विष का जो वैद्य है, वो जो ग्रहण करवा रहा है अथवा स्वयं ग्रहण कर रहा है, वो मंत्र विद्या के प्रभाव से उस विष को निर्विष करना भी जानता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी हैं, आत्मस्वरूप में लीन हैं, जिन्हें कर्मों का उदय हो रहा है, कर्म उदय में आकर के फल देकर के जा रहे हैं, उधर उस जीव की आसक्ति नहीं है, उधर उस जीव की राग द्वेष बुद्धि का अभाव है, इस कारण से कर्मों की निर्जरा हो रही है और उस जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं हो रहा है। विचार यहाँ पर हमको ये करना है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वह ज्ञानी है। ज्ञानी कैसा है? सिर्फ शास्त्रों का पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं। यहाँ पर ज्ञानी से तात्पर्य है वीतराग स्वसंवेदन आत्मस्वरूप का जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा ज्ञानी जीव। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जह अर्थात जिस प्रकार विषम उपभुज्यंता अर्थात विष का उपभोग करते हुए भी जो वैद्य पुरुष है, जो विष के वैद्य हैं, जो जानने वाले हैं, वो मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। तह उसी प्रकार पुद्गल कम्मस्सुदयम् भुञ्जनी, वह जो ज्ञानी जीव है वह पुद्गल कर्मों के उदय को भोगता है, परंतु फिर भी नैव बज्जति अर्थात बंधता नहीं है, कर्मों को नहीं बांधता है, वह निश्चित रूप से अपने कर्मों की निर्जरा ही करता है, क्योंकि उसने आत्मज्ञान को, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है। गाथा का भावार्थ देखें। जिस प्रकार विष वैद्य विष का उपभोग करता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के उदय को भोगता है, तथापि वह कर्म से नहीं बंधता। भैया जी, सम्यक दृष्टि को भोगते हुए भी बंध क्यों नहीं? यहाँ पर वैद्य का उदाहरण दिया है, उसी से हम समझते हैं। जिस प्रकार विष का वैद्य होता है, वो विष खाकर के भी मरण को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मंत्र विद्या को जानता है। उसी प्रकार जो आत्म विद्या को जानता है, आत्मा के ज्ञान को जानता है, आत्म स्वरूप को जानता है, आत्मा के स्वभाव को जानता है, वो कर्मों को भोगते हुए भी अथवा उनके उदय को भोगते हुए भी वो नवीन नूतन बंध को नहीं करता है, बल्कि निर्जरा को ही करता है। ऐसा भी होता है कि जिस प्रकार विष का वैद्य होता है, वो किसी मरीज को थोड़ा सा विष खिला करके उसकी बीमारी को दूर करता है, उसके शरीर की बीमारी को देखता है, इसको ये रोग हो रखा है, यदि इसको इस तरह का थोड़ा सा ऐसा इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उस बीमारी का वहाँ पर समापन हो जाएगा, वह बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगर वही जो विष है अथवा वही जो दवा है वो किसी अन्य सामान्य व्यक्ति को लगाई जाती है या दी जाती है, तो वह उसके लिए मरण का काल उपस्थित कर देती है, अर्थात वह उसके लिए मरण बन जाता है। लेकिन मरीज के लिए वहाँ पर मरण नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो जो जानकार है, वैद्य है, डॉक्टर है, वो इस बात को जानता है कि इसका इलाज इससे होना है। ठीक उसी प्रकार, अब इसी उदाहरण को इधर हमें घटित करना है, ठीक उसी प्रकार कर्म के उदय को जान रहा है एक मिथ्या दृष्टि जीव है, वो आत्मज्ञान से रहित है, उसे नहीं मालूम कि मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, और वो कर्मों को उदय में आकर के राग द्वेष करने लगता है। लेकिन जिसे आत्मज्ञान है, वो चाहे कर्म उदय में आए चाहे नहीं आए, उन्हें तो अपने आत्मस्वरूप में लीन रहना है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, जहाँ लगाव है, जहाँ राग द्वेष है, वहाँ कर्मों का बंध होता है, वहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि जीव को, जिसने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लिया है, राग द्वेष और लगाव नहीं होने के कारण से उनके कर्मों का बंध नहीं होता है। एक बात हम यह भी समझें, कर्मों का लगाव हो तो नियम से कर्म बंद होगा ही होगा, और जहाँ कर्मों का के प्रति लगाव नहीं होता है, भले वो बहिरंग में कोई क्रिया करे या नहीं करे, कर्मों का बंद होता ही होता है। गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। खाता भले विष सुधि विष मंत्र ज्ञाता, प्राता न मृत्यु फिर भी दुख भी न पाता, क्यों निर्विकल्पक समाधि विलीन ध्यानी, भोगे विपाक विधि के बंधते न ज्ञानी। हमने जो यह उदाहरण समझा,
विष के वेद्य का, उसी बात को आचार्य महाराज एक और उदाहरण के द्वारा मद्यपान का उदाहरण देकर के और ज्ञानी जीव का वहाँ पर दृष्टांत बता रहे हैं कि किस प्रकार वह ज्ञानी जीव नूतन नवीन कर्मों से नहीं बनता अपितु कर्मों की निर्जरा ही करता है। जह मज्जम पिव माणो, जह मज्जम पिव माणो, अरदि भावेण मज्जदिन पुरिसो, अरदि भावेण मज्जदिन पुरिसो, दव्व भोगे अरदो, दव्व भोगे अरदो, नाणि विण बज्जदि तहेव, नाणि विण बज्जदि तहेव। बोलिए, जह मज्जम पिव माणो अरदि भावेण मज्जदिन पुरिसो, दव्व भोगे अरदो, नाणि विण बज्जदि तहेव। जह मज्जम पिव माणो अरदि भावेण मज्जदिन पुरिसो, दव्व भोगे अरदो, नाणि विण बज्जदि तहेव। अर्थ देखें, जह मज्जम पिव माणो, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, मज्जम अर्थात मद्य को, मदिरा को अर्थात शराब को, पिव माणो अर्थात पीता हुआ, अरति भावेण, अरति भाव से अर्थात उस मद्य के प्रति, उस शराब के प्रति जिसका राग नहीं है, उस भाव से मज्जदी अर्थात मतवाला, न मतलब नहीं होता है, पुरुषो अर्थात पुरुष। क्या मतलब? मतलब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी पुरुष के द्वारा मद्यपान किया गया, लेकिन वह मद्यपान अरति भाव से किया गया अर्थात राग भाव में आकर के नहीं किया गया, इस कारण से मद्यपान करते हुए भी, शराब पीते हुए भी वह पुरुष मतवाला नहीं होता अर्थात मदिरा का असर उसके ऊपर नहीं चढ़ता, मदमस्त नहीं होता वह। दव्व भोगे अरदो तहेव, अंत में है, उसी प्रकार दव्व भोगे, द्रव्यों का उपभोग करते हुए, जो हमने पहले पढ़ा था, चेतन अथवा अचेतन दोनों प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करते हुए, लेकिन कैसे? अरदो अर्थात विरक्त होता हुआ, रति भाव का त्याग करके, विरक्त होकर के पांचों इंद्रियों के विषयों का, चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी, नाणी वी अर्थात वह ज्ञानी ही न बज्जदी अर्थात कर्मों से नहीं बंधता है। तहे उसी प्रकार, उसी प्रकार किस प्रकार? जिस प्रकार वह जो मद्यपान करने वाला व्यक्ति है वह अरति भाव से शराब पी रहा है, इस कारण से अरति भाव से पीने के कारण से मतवाला नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी आत्मस्वरूप में लीन है, आत्मज्ञान को प्राप्त है, पंचेंद्रिय विषयों के प्रति उसका, इंद्रियों के द्वारा वो विषय ग्रहण किए जा रहे हैं, चेतन अचेतन द्रव्यों का उसके द्वारा भोगोभोग किया जा रहा है, लेकिन आसक्ति नहीं होने के कारण से, ज्ञानी होने के कारण से वह जीव उन कर्मों से नहीं बंधता है। गाथा का भावार्थ देखें, जिस प्रकार कोई पुरुष मद्य को पीता हुआ तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य से मतवाला नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी द्रव्यों के उपभोग में विरक्त रहता हुआ अर्थात वैराग्य की सामर्थ्य से कर्मों से नहीं बंधता। भैया जी, कोई शराब पिए और उसे नशा ना चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, विचार तो आता है कि कोई शराब पिए और फिर भी उसको नशा ना चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। जब अरति भाव होता है उस शराब के प्रति राग भाव नहीं होता, तब ऐसी स्थिति होती है। जैसे जिन प्रदेशों में, जिन स्थानों में बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ पर उस सर्दी को दूर करने के लिए थोड़ी सी बरांडी पी जाती है। बरांडी भी तो शराब ही है। हम देखते हैं डॉक्टर्स लोग भी जब दवा लिखते हैं तो बहुत से दवाओं में अल्कोहल रहता है, अल्कोहल भी तो शराब है, तो क्या उनको पीने से नशा चढ़ता है? नहीं चढ़ता। कहने का तात्पर्य यह है, जिस व्यक्ति के द्वारा जो शराब के प्रति राग करके जो बहुत ड्रिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, उस तरह की स्थिति उस अरति भाव से थोड़ी सी लेने वाले व्यक्ति के प्रति नहीं बनती है।
उदाहरण है, उदाहरण एक देश है, हमें वैसे ही यहां पर समझना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जहां राग भाव है तो कर्मों का बंध होगा, और जहां रति भाव नहीं है, राग भाव नहीं है, वहां कर्मों का बंध नहीं होता है। भैया जी, बंध तथा राग का कैसा संबंध है? बहुत सीधा सा संबंध है। जहां ज्यादा राग होगा वहां ज्यादा बंध होगा, जहां कम राग होगा वहां कम बंध होगा, और जहां राग ही नहीं होगा वहां पर बंध भी नहीं होगा। तीनों अपेक्षा से हम समझें, एक मिथ्या दृष्टि जीव है, किसी भी वस्तु का भोगो भोग कर रहा है, चेतन अचेतन पदार्थों का भोगो भोग कर रहा है, लेकिन बहुत अधिक रागी दृष्टि से कर रहा है, उसके वहां पर कर्मों का बंध बहुत घना है, बहुत अधिक है। एक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं, वो चेतन अचेतन पदार्थों का भोग कर रहे हैं, उनके कर्मों का बंध होगा, लेकिन राग कम होने के कारण से कम होगा उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। लेकिन एक वीतराग स्व संवेदन से युक्त आत्मध्यान में लीन मुनि महाराज हैं, वे राग रहित हैं, इसलिए उनके कर्मों का बंध नहीं होगा। अगर कोई मुनि महाराज आहार भी कर रहे हैं तो आहार में भी उनके कर्मों का बंध थोड़ा है, क्योंकि वो उस आहार के प्रति राग नहीं कर रहे, मुझे ये रस चाहिए, मुझे वो रस चाहिए, जहाँ षट रसों का त्याग करके आहार ग्रहण किया जाता है। आचार्य भगवान को देखें, उनका आहार किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का वो जीवन जी रहे हैं। शुद्धोपयोग में जब पहुंचते हैं तब तो निश्चित रूप से कर्म बंध होता ही नहीं होगा, शुभोपयोग में भी रहते हुए अति अल्प राग होने के कारण से अति अल्प उनके बंद होता है। उसी तरह की परिणति हमें समझनी चाहिए। आज की जो दो गाथाएं हमने पढ़ी उससे हमें यही समझना है, जहां पर राग है, लगाव है, उस अपेक्षा से बंद है। जहां ज्ञानी जीव है, चाहे वह शराब भी क्यों न पी रहा हो, चाहे उसके विष का पान भी क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन राग नहीं होने के कारण से, उस तरफ उसकी दृष्टि नहीं होने के कारण से, आत्मस्वरूप में लीनता होने के कारण से, उस ज्ञानी जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। होता प्रमत नहीं बाधकता घटा के, जो मद्य पान करता रुचि को हटा के, ज्ञानी विराग मुनि भोगत भोग सारे, ये कर्म से न बंधते निज को निहारे। जो राग से रहित होकर के ज्ञानी मुनि महाराज सारे भोग भोग रहे हैं, इंद्रियों के विषयों के द्वारा वो ग्रहण किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म से नहीं बंधते, क्यों? निज को निहारे, अपने आत्म स्वरूप में उनकी दृष्टि है। जय जिनेन्द्र।